ऐसा कर दिया है। और मैं आपको बताऊं, लोग हमें कहते हैं जो बाहर से आते हैं कि यार आप प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है, ये रिसेंटली भी इश्यूज हुए हैं, जर्नलिस्ट के साथ इश्यूज हुए हैं, ये प्रॉब्लम दुनिया भर में होते हैं। इस वक्त भी ये शहर दुनिया के कई शहरों से क्राइम की सूरत हाल में बेहतर है, लेकिन परसेप्शन इसकी मेरा ख्याल है सबसे खराब हमने खुद की है, और उस खराब करने की वजह से यहाँ से लोग आना नहीं चाहते, बिजनेसेस जा रही हैं। मेरा और आपका कसूर है इसमें, मेरा भी कसूर, मैं अपने साथ कहूंगा यार, ऐसी परसेप्शन करते हो कि जैसे कोई डूम्सडे सिनेरियो बिल्ड किया हुआ है, ऐसा नहीं करो। अकरम बलोच साहब, एक तो माशाल्लाह आप बजट पेश करने में, प्रेजेंट करने में आपका आसानी नहीं है, माशाल्लाह आप स्किल आ गया है अपने। लेकिन सर हम बात करते हैं इसके मतलब इम्पैक्ट की, जीडीपी ग्रोथ की बात की जाती है हर बजट में, लेकिन हम देखते हैं कि गुर्बत की लकीर से लोग नीचे क्यों जा रहे हैं, मजबूरी तौर पर इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा। दूसरा सर, जो तनख्वाहों के हवाले से अमी साहब ने वही उसी से रिलेटेड है एक ही सवाल एक बात की, आप सिर्फ चार ऐसी फैक्ट्रियां हमें बता दें जहां पर मजदूरों को 32,000 मिलते हों तो हम ये देखें। मैं इस वक्त इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि ऑब्वियसली मैं नहीं, लेकिन मैं कहूंगा लेबर डिपार्टमेंट से कि एक ब्रीफिंग दे मीडिया को, और जो कोशिशें हम कर रहे हैं और जहां पे पॉसिबल, मैं इस वक्त ऑब्वियसली मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा अकरम, कि चार फैक्ट्रियों के नाम बता दूं। मैं कोई नाम दे दूंगा आपको, पर कहेंगे गलत है, सही है। सर ने नाम सबके लिखे हैं, सब मुझे घड़ी का आप बोल रहे हैं, मेरे सबके नाम लिखे हैं, बारी बारी जिस जिसने पहले कहा है उसको दे रहा हूं फर्स्ट नंबर पे। शाह साहब आप माशाल्लाह सबसे सीनियर सियासतदान भी हैं, 22-23 साल से असेंबली का नहीं, हिस्सा नहीं, हैं, नहीं, नहीं, बहुत ही तीसरी बार वजीर आला मंत्री हुए हैं सर, 5 महकमे ऐसे बता सकते हैं जो आपसे पहले तबाह हाल हो, आपने कोई इंकलाबी इकदाम किए हों उनमें, और पिछले टेन्योर में आप वजरा की नहीं सुनते थे, इस बार सुनने में आ रहा है कि वजरा आपकी नहीं सुन रहे, तो ऐसे में डिलीवर कैसे करेंगे, इतना कमजोर वजीर आला कैसे डिलीवर अच्छा एक तो खबर मैंने आपके और भी देखे हैं, अक्सर मैं देखता सब कुछ हूँ, नोट भी सबको करता हूँ, मैं किसी को जैसे वो अमित ने बताया ना कि नजर नहीं आता कि छापे मारता हूँ, वो मेरे ये स्टाइल ही नहीं है, एक तो शुरू किया था, मेरा अनफॉर्चुनेटली स्टाइल नहीं है ये, लेकिन जहां तक बात है ना, एक्शन लेता हूँ, ये दोनों वजीर मेरे साथ बैठे हैं, मिनटों में लेता हूँ, घंटों में नहीं, और ये साथ बैठे हैं, कल परसों, कल कल परसों रात को एक, मैं नहीं बताता यार आप लोगों को, क्या मैं बताऊं कि मैंने ये कर दिया, मैं बस फलाना हूं, अल्लाह जानते हैं और मेरे सूबे के लोग जानते हैं। तो खबर 5 इदारे आप कह रहे हैं, हेल्थ के अंदर हम पाकिस्तान में हमारा कोई सानी नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर चलता है कोई सानी नहीं है, हमारी जो डीपीडी का डिपार्टमेंट है हमारा कोई सानी नहीं है, रोड्स जो हमने बनाए हैं सारे चारों सूबे देख लें, हाँ एनएचए के रोड छोड़ दें जो हमें बिल्कुल नहीं बना के देते, लोग कहते हैं ना सिंध में आओ तो पता चलता है रोड टूटे, मैं कहता हूं एनएचए से नहीं, आप हमारे रोड्स देखो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो हमने बनाए, तो अभी और जितने कहेंगे मैं आपको बता दूंगा, हर डिपार्टमेंट बेहतर कर रहा है, और मैंने बताया इसका सबूत, खावर मुझे नहीं देगा इसका सबूत, आप तो क्रिटिसाइज करोगे, आपका मैंने बहुत ही एहतराम से, आप लोगों का काम है, सवाल ही नहीं बनेगा, नहर खबर नहीं बनेगी, आप कहोगे सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है मैं ये मानता हूं, लेकिन इस सूबे के लोग ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को, उसी की वजह से हम जीतते आ रहे हैं। और कोई सूबे में 4 बार कंटिन्यूस गवर्नमेंट कभी किसी की नहीं बनी है, 2008, 2013, 2018 और 2024 आप देख लें, ये पीपल्स पार्टी है और हर दफे पहले से बेहतर है, ऐसा भी नहीं कि बस सुपर ओवर में जीत गए, हम प्रॉपर कॉन्टेस्ट करके, अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोगों की हमने खुशनुदी हासिल की, अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया है। तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ जो हमने किया है। हमीद फिर आपके वो स्टाइल नहीं है यार, अब फिर निकलूं मैं और फिर मीडिया में रोज नजर आऊं, आपको हर ट्वीट करूं सुबह शाम पर, तो फिर मेरे से काम नहीं होता मैं अच्छा असीम साहब मुझे सवाल नंढड़ो सवाल आ वो यो आ बजट दौरान सभी जो नजर हुई हो त सिंध हुकूमत
चाहता लगभग डॉक्टर जो ऐलान बजट साहब पेश किए उनमें गोली दारे